और बड़ी खबर इसी बीच एक और मिल रही है, वो आपको बता दें, प्रधानमंत्री पर अपमानजनक टिप्पणी करना मालदीव की सरकार को काफी भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। मालदीव सरकार टिप्पणी करने वाले अपने तीनों नेताओं को सस्पेंड कर चुकी है, लेकिन भारत के सख्त रुख से मालदीव की सरकार ने सिर पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मां सरकार गिरने के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसा क्यों है ये भी बताते हैं, क्योंकि मालदीव में विपक्ष राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू को सत्ता से बेदखल करने की मांग कर रहा है। वहां के सांसद अली अजीम ने तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सरेआम सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग भी रख दी है। उन्होंने लिखा है कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू को उनके पद से हटाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए, यानी कि भारत विरोधी रुख अपनाकर मालदीव की सरकार ही अब खतरे में पड़ गई है। इन सबके बीच न्यूज 18 की सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिली है। सूत्रों ने बताया कि मालदीव की सरकार कट्टर पंथियों के दबाव में भारत विरोधी स्टैंड ले रही है। मालदीव के कई नेताओं को ड्रग डीलर्स और कट्टर पंथी गुटों से फंडिंग भी मिल रही है। ये कट्टर पंथी गुट भारत से नफरत करते हैं और इसीलिए उनको खुश करने के लिए मालदीव की सरकार ऐसे कदम उठा रही है जो कि भारत के हित में कतई नहीं है, मालदीव के हित में तो बिल्कुल नहीं है। तो बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि कैसे भारत विरोधी ये जो गतिविधि है जो मालदीव कर रहा है वो दरअसल वो कट्टरपंथियों के दबाव में कर रहा है। वहां पर कट्टरपंथी गुट इतने ज्यादा एक्टिव हो गए हैं कि अब बस वही भारत विरोधी स्टैंड ले रहे हैं और इन्हीं के दबाव में मालदीव की सरकार भी है। यही वजह है कि मालदीव के कई नेताओं को हमने देखा कि कैसे उन्होंने ट्वीट किया, न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बल्कि भारत के खिलाफ। और चलिए अब आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है और आखिर ये शुरू किस तरह से हुआ। तस्वीरें आपको ये याद होंगी जो पीछे हम दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप पहुंचे हुए थे। 2 जनवरी को लक्षद्वीप गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर उसके बाद सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें उन्होंने शेयर की थी। आराम से बीच के ऊपर प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं। पीएम की तस्वीरों ने लक्षद्वीप के मालदीव से बेहतर होने की चर्चा छेड़ दी। हालांकि प्रधानमंत्री की तरफ से सीधा ऐसा कुछ लिखा नहीं गया था, लेकिन सोशल मीडिया पर यह बहस छिड़ गई। उसके बाद मरियम जो कि मां की मंत्री हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री के ऊपर अपमानजनक ट्वीट किया, भारत के खिलाफ अपमानजनक ट्वीट किया। इसके अलावा सिर्फ मशाला, इसके बाद मशाला भी सामने आ गई, उनकी तरफ से भी अपमानजनक पोस्ट किया गया। 3 मंत्री ऐसे रहे मां के जिनकी तरफ से ट्वीट किया गया, भारत का मजाक उड़ाया गया। अब उसमें अब्दुल्ला महबूब भी शामिल थे, मैजूम भी शामिल थे। तो 3 मंत्री जिनकी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक बनाया गया, भारत का मजाक बनाया गया और कैसे मालदीव ज्यादा श्रेष्ठ है इस बात की बाकायदा चर्चा की गई। बस उसी के बाद से वो कहते ना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, लगभग वही काम मालदीव की तरफ से किया गया। अब खलबली मचती हुई दिखाई दे रही है मालदीव के अंदर।